नमस्ते दोस्तों, मैं शोभा गुप्ता आप सबका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आप सब कैसे हैं दोस्तों? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सब ने भी दिवाली को बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट किया होगा। मेरी तरफ से आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैं मिनी ब्लॉग लेकर आई हूँ अपने दिवाली सेलिब्रेशन के, किस तरह से मैंने अपने दिवाली में डेकोरेशन किए हैं और ये मैं कर रही हूँ पूजा की तैयारी। हमारे घर में धनतेरस के दिन एक छोटा सा लक्ष्मी पूजा था, छोटा सा क्या, जैसे लक्ष्मी पूजा होती है उस तरह से लक्ष्मी पूजा था। तो उसकी पूजा के सामान की तैयारी कर रही हूँ और ये धनतेरस में छोटा सा क्लिप मैंने शूट किया था। तो ये देखिए, इस तरह से अब मैं अपने एंट्रेंस में प्यारा सा तोरण खरीद के लाई थी, तो मैं इसे यूँ लगा दे रही हूँ। मैं प्रॉपर कोई ब्लॉग वगैरह नहीं ला रही हूँ, जहाँ मुझे लगा थोड़ा सा मैंने शूट कर लिया उसी को मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आशा करती हूँ आप सबको अच्छा लगेगा मेरा दिवाली डेकोरेशन, किस तरह से मैंने डेकोर किया है अपने एंट्रेंस को। और ये देखिए, प्यारे प्यारे छोटी सी लरिया थी, दो लरिया मैंने इस तरह से खरीद के लाया, दोनों तरफ मैंने लगा दिया है। और ये शुभ दीपावली मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था और ये देखिए, इसे भी मैंने सामने यूँ लगा लिया है। आप सबको भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना। दीपावली के दिन घर की सजावट करना बहुत ही अच्छा लगता है, आप सबको भी बहुत अच्छा लगता होगा। तो मैं देखिए दीपावली के दिन ये शुभ लाभ भी अपने एंट्रेंस में लगा रही हूँ, कितने प्यारे लग रहे हैं। डबल साइडेड टेप की मदद से मैं इसे यूँ अपने एंट्रेंस में लगा ले रही हूँ, एक तरफ शुभ और एक तरफ लाभ। इससे बहुत ही अच्छे पॉजिटिव वाइब्स आते हैं, तो इसे ज़रूर आप भी लगाए होंगे या फिर लगा लीजिए अभी भी। और ये देखिए, और ये ऊपर में स्वास्तिक के ऊपर छोटे से गणपति बने हुए थे, इसे मैंने ठीक बीचों बीच ऊपर लगा लिया है। और ये धनतेरस के दिन मैंने यूँ अपने एंट्रेंस को तैयार कर लिया था, मतलब डेकोर से सजा लिया था। तो अभी कुछ ज़्यादा नहीं सजाया है, दिवाली के दिन थोड़ा और सजा लेंगे। और इस तरह से देखिए, और ये प्यारा सा रंगोली भी मैंने धनतेरस के दिन बनाया था। मुझे इतनी अच्छी रंगोली बनाने नहीं आती है, बस जैसे आती है मैं बना देती हूँ। और यहाँ पर पूजा हो गई थी लक्ष्मी जी और गणेश जी की, तो आप सब भी जरूर आशीर्वाद ले लीजिए, लक्ष्मी जी की कृपा हम पर बने रहे। और यहाँ पर मेरी देवरानी कर रही है प्रसाद की तैयारी, क्यों पूजा हो चुकी है। तो कितना प्यारे लग रहे हैं ना ये मूर्ति, कितने सुंदर लग रहे हैं। और यहाँ पर पूजा होने के बाद अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दिवाली के ब्लॉग। और ये दिवाली के दिन देखिए, ये दिवाली को रंगोली बनाया है मैंने और ये इस तरह से मैंने एंट्रेंस को सजाया है, थोड़े से और गेंदे के फूल को सजा लिया है, बस ज़्यादा यहाँ पर कुछ किया नहीं है। ऑलरेडी प्लांट्स वगैरह रखे हुए थे, दिए हमने लगा लिए हैं। दिए बहुत मुश्किल से हमारे यहाँ दिवाली के दिन जल रहे थे, क्योंकि उस दिन हमारे यहाँ हवा बहुत चल रही थी। और ये है पूजा रूम का छोटा सा क्लिप, यहाँ भी हमने लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा की हुई है। और ये पूजा रूम को भी मैंने अच्छे से गेंदे फूल से सजा लिया था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। आशा करती हूँ आप सबको मेरा ये छोटा सा मिनी ब्लॉग अच्छा लगा हो। मैं कोशिश कर रही हूँ छोटे छोटे मिनी ब्लॉग बनाने का, क्योंकि प्रॉपर मुझे ब्लॉग बनाना उतना कुछ नहीं आ पा रहा है, उतना शूट मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो छोटे छोटे ब्लॉग अगर आपको पसंद आएंगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। हैप्पी दिवाली।